नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। नाइट कर्फ्यू रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पुलिस गश्त करेगी, साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर आवागमन जारी रहेगा। जिन संस्थानों में रात्रिकालीन शिफ्ट में काम होता है उनके कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा जिले में 9 से 12वीं तक के विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि झांसी में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का निर्णय जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया। इसे देखते हुए जिलाधिकारी आंध्र वामसी ने गुरुवार की शाम अफसरों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद तय हुआ कि रात में कर्फ्यू अनिवार्य है, क्योंकि इस वक्त इससे संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में शुक्रवार की रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत आज नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह ने मोर्चा संभाला है। बता दें कि रात्रि कर्फ्यू का पहला दिन रात 9 बज चुके। कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन कराने के लिए भारी पुलिस बल महानगर के चौराहे पर तैनात है। नियमों का पालन कराने के लिए, किसी के साथ मारपीट गाली गलौज न करने के लिए सीओ सिटी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही नाइट कर्फ्यू का 100% पालन कराने के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। देखिए, आज जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर नाइट कर्फ्यू का पहला दिन है। पहला दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, लोग उतना ज़्यादा अच्छा सा पालन भी नहीं करते हैं, फर्स्ट दिन थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम लोग यहाँ झांसी के लाइट चौराहे पर इकट्ठा हैं और अभी पैदल मार्च करते हुए जो भी व्यापारी भाई दुकान वकान खोले होंगे उन्हें प्यार से समझा बुझा के दुकानें बंद कराई जाएंगी, और साथ ही साथ गाड़ियों से जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं उसके माइक से भी हम लोग अनाउंस करेंगे कि कल से जो है इसका पालन करें और 9 बजे दुकानें बंद कर दें, आना जाना जो है कम कर दें, जिनका आवश्यक हो, जो ज़रूरी हो तभी घर से बाहर 9 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक निकलें, अनावश्यक सभी लोग घर में ही रहें, अन्यथा कोविड 19 पर जो है हम लोग विजय प्राप्त करने में दिक्कत होगी।